नमस्ते, मेरा नाम है नवीन पड़ियार और आज मैं आपको बताऊंगा दुनिया के 7 ऐसे खतरनाक पेड़ जो आपकी जान भी ले सकते हैं। नंबर 1, मंचिनल ट्री। मंचिनल ट्री को खतरनाक पेड़ों के रूप में जाना जाता है। इसके खतरनाक होने का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व के सबसे खतरनाक पेड़ होने का खिताब मिला हुआ है। यह सच में आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि किसी पेड़ को भी उसके हानिकारक और खतरनाक होने का खिताब मिल सकता है। इसका वैज्ञानिक नाम हिपोमैन मैनिसेला है। इसका यह नाम इस पर छोटे आकार के सेब जैसे दिखने वाले फल के कारण पड़ा है। ये पेड़ मध्य और उत्तरी दक्षिण अमेरिका के तटीय क्षेत्रों और फ्लोरिडा और कैरेबियन सागर के निकट पाया जाता है। इस पेड़ की पत्तियां अंडाकार और चमकदार होती है। इसकी ऊंचाई लगभग 50 फीट होती है। इस पेड़ पर लगने वाला फल दिखने में छोटे सेब की तरह होता है और इसका स्वाद भी सेब की तरह ही होता है, लेकिन यह स्वादिष्ट और सुंदर दिखने वाला फल विषैला होता है। इसके खाने पर एक व्यक्ति की भी जान जा सकती है। यदि आप गलती से भी इस पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं और बारिश होने लगे तो इसके पत्ते और फलों को छूने के बाद जब पानी की बूंदें आपकी त्वचा पर गिरेगी तो यह जहरीले रसायनों वाली बूंदों से आपके पूरे शरीर में जलन और खुजली होने लगेगी और असहनीय दर्द का अनुभव होने लगेगा। इस पेड़ की पत्तियाँ फलों और लकड़ियों को जलाने पर जो धुआं निकलता है उससे हमारी आँखें भी जा सकती है और हम हमेशा के लिए अंधे भी हो सकते हैं। तो देखा आपने, इस पेड़ को दुनिया का सबसे खतरनाक पेड़ क्यों कहते हैं। नंबर 2, सैंडबॉक्स ट्री। यह पेड़ अमेज़न के वर्षा वनों, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका और तंजानिया के कुछ भागों में पाया जाता है। यह अपने आप में ही दिल दहला देने वाला रूप रखता है। इस पेड़ की लंबाई 100 फीट यानी 30 मीटर तक हो सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके पूरे तने पर नुकीले कांटे होते हैं और यही नुकीले कांटे आपके शरीर को छू भी जाए तो आपकी जान भी जा सकती है। इस पेड़ का हर हिस्सा बहुत ही खतरनाक और जानलेवा होता है। इन पेड़ों से निकलने वाला लिक्विड आपकी आंखों को हमेशा के लिए अंधा बना सकता है। इस पर लगने वाला फल कद्दू की तरह दिखता है, परंतु वास्तव में ये जहरीले और जानलेवा होते हैं। आश्चर्य करने वाली बात तो यह है कि ये कद्दू जैसा दिखने वाला फल पकने के बाद समय समय पर ब्लास्ट हो जाता है और इनकी गति मानो बुलेट की तरह होती है। लगभग 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से फटते हैं। इसके चपेट में आने वाला व्यक्ति बुरी तरह घायल हो सकता है। यदि आपको इस तरह के पेड़ कहीं भी दिखे तो इनसे दूर ही रहें। नंबर 3, एस्कुलस ग्लैबरा। इस पेड़ को ओहायो बुकाई भी कहा जाता है। अब मजे की बात तो ये है कि इस पेड़ को नोटिस करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये आम पेड़ की तरह ही नज़र आता है। इस पेड़ की पहचान इस पर लगे फल से होती है जो कि हल्का हरे रंग का होता है और उस पर नुकीले कांटे लगे हो तो तुरंत समझ जाइए कि ये पेड़ एस्कुलस ग्लैबरा है और उस पेड़ से दूर हट जाइए क्योंकि इसके पत्ते, तने और फल सभी जहरीले होते हैं। इस पेड़ में एक खतरनाक केमिकल भी पाया जाता है जिसका नाम ग्लाइसोसाइड है, जो कि इंसान और जानवर सभी के लिए हानिकारक होता है। अगर एस्कुलस ग्लैबरा का फल कोई भी जानवर खा ले तो उसके लिए यह जानलेवा हो जाएगा और अगर इस पेड़ की पत्ती आपके शरीर को छू भी जाती है तो आपकी चमड़ी कुछ इस तरह जलेगी जैसे उस पर किसी ने एसिड डाला हो। नंबर 4, सर्बेरा ऑडुलम। इस पेड़ की खास बात यह है कि यह पेड़ दिखने में जितना सुंदर और आकर्षित होता है उतना ही ज़्यादा खतरनाक है। इसके बीजों में एक विशेष प्रकार का विषैला रासायनिक तत्व सर्बेरियन पाया जाता है। इसकी थोड़ी सी मात्रा किसी भी मनुष्य की मिनटों में जान ले सकती है। इस पेड़ की पत्तियां लंबी होती है और उसमें हरे रंग के गोल फल लगे होते हैं। सर्बेरा ऑडुलम के फल दिखने में बड़े ही मीठे और स्वादिष्ट लगते हैं, पर असल में ये बहुत ही जहरीले फल हैं। नंबर 5, जिम्पी जिम्पी। आमतौर पर यह पौधा ऑस्ट्रेलिया के वर्षा वनों वाले उत्तर पूर्व क्षेत्रों में पाया जाता है। यह दिखने में बहुत ही सुंदर होता है और इसके पत्तों के ऊपर हल्के रेशे और बालनुमा कांटे पाए जाते हैं। ये कांटे सिलिका से बने होते हैं और इसमें खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन मोरिडीन मौजूद होता है। यदि आप इसे गलती से भी छू लेंगे तो आपको ऐसा डंकनुमा करंट लगेगा जिसके दर्द को कई सालों तक आप भूल ही नहीं पाएंगे। इससे आपको गंभीर एलर्जी रिएक्शन हो जाएगा और आपके शरीर पर लाल लाल दाने और असहनीय खुजली हो जाएगी। 10 से 15 मिनट के बाद यह खुजली और रिएक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है मानो ऐसा लगता है किसी ने तेजाब ही डाल दिया हो। इसका दर्द इतना असहनीय होता है कि लोग इसके दर्द सहने के बजाय मरना अधिक पसंद करेंगे। यह पौधा 2 सालों तक जिंदा रहता है और मरने के बाद भी यह पौधा उतना ही खतरनाक होता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।